हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपना कैंपेन दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट स्टार्ट करने वाली है, जो कि आईपीएल 2020 का मैच नंबर 2 होने वाला है। और ऐसे में इस वीडियो में मैं आपके लिए किंग्स इलेवन पंजाब से रिलेटेड तीन काफ़ी बड़ी अपडेट्स लेके आया हूँ, तीन काफ़ी बड़ी घोषणाएँ। KXIP का मैनेजमेंट यहाँ पर कर चुका है, तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की, और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए अपडेट निकल कर आ रही है इनके टाइटल स्पॉन्सर से। अब गाइस, अभी तक आप आईपीएल में जितने भी मैचेस देखते होंगे तो KXIP के जो यहां पर उनकी जर्सी है उसके फ्रंट में आपने आज तक का लोगो लगा हुआ देखा होगा, उसको हम बोलते हैं टाइटल स्पॉन्सर। लेकिन इस बार आईपीएल 2020 के लिए KXIP क्योंकि एक नई ब्रांड की तरह सामने आना चाह रही है, इसके लिए उन्होंने ऑक्शन में काफी अच्छे अच्छे डिसीजन भी लिए थे। अनिल को भी अपनी टीम के साथ जोड़ चुके हैं, और इसी के चलते यहां पर KXIP ने अपने टाइटल स्पॉन्सर को चेंज कर दिया है, और आज तक को हटाकर अब इन्होंने एबिक्स कैश को अपना नया टाइटल स्पॉन्सर बना दिया है। यानी कि अब आपको इनकी जर्सी के फ्रंट में एबिक्स कैश का लोगो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आईपीएल की टीम है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर इन लोगों को चेंज करती रहती है कि यहां पर कुछ किस्मत का ऐसा कुछ कनेक्शन बन जाए जिससे कि टीम यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म कर ले। तो KXIP के लिए भी अगर ये चीज यहां पर वर्क करती है तो काफी अच्छा डिसीजन उनके लिए साबित हो सकता है। फिलहाल हम बढ़ते हमारी अपडेट नंबर 2 की तरफ, जो कि KXIP के कोचिंग डिपार्टमेंट से निकलकर आ रही है। अब गाइस, KXIP पहले ही अनिल कुंबले को यहां पर पूरी पावर दे चुकी है, मतलब वो अनिल कुंबले को बिल्कुल भगवान मान चुके हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को बोला हुआ है कि आपको जो भी करना है आप बस परफॉर्मेंस निकलवा लो हमारी टीम से, बाकी तो हम यहां पर आपको कुछ भी बनाने को तैयार है। तो एक तरह से अनिल कुंबले ना सिर्फ इस टीम के कोच हैं बल्कि उनके पास एक तरह से सारी की सारी जो मेन पावर होती है मैनेजमेंट की वो अभी अवेलेबल है। और यहां पर इसी कड़ी में इन्होंने असिस्टेंट कोच के रूप में एंडी फ्लावर को अपनी टीम से जोड़ लिया है। अब आपको याद होगा एंडी फ्लावर वही प्लेयर है जिन्होंने जिम्बाब्वे को रिप्रेजेंट किया हुआ है और काफी अच्छे प्लेयर रहे अपने टाइम पर, तो ऐसे में असिस्टेंट कोच वो बन गए अनिल कुंबले के अंडर काम करने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा एडिशन है KXIP की टीम में, क्योंकि इनका जो कोचिंग स्टाफ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मैं आपको बताता हूं अपडेट नंबर 3 में कि किस तरह से इनका जो कोचिंग स्टाफ है वो मुझे लग रहा है कि आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे खतरनाक कोचिंग स्क्वाड बन चुका है। और इसी बारे में हमारी तीसरी अपडेट जुड़ी हुई है, जो कि इनके बाकी एक्सटेंडेड कोचिंग स्टाफ से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने फील्डिंग कोच अपॉइंट किया है जॉन्टी रोड्स को, जो कि जब भी फील्डिंग का नाम आता है तो जॉन्टी रोड्स का नाम उस लिस्ट में यहां पर टॉप पर रहता है, हर एक प्लेयर की इंस्पिरेशन है। और गाइज, अगर बैटिंग कोच की बात की जाए तो यहां पर हमें नजर आने वाले वसीम जाफर, इनको आपने देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में बहुत पहले खेला करते थे जब दिनेश कार्तिक के साथ ओपनिंग किया करते थे, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने 100 इन्होंने मारे और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर रहे अपने टाइम पे। लेकिन क्योंकि अब वहां से रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे में KXIP ने, बल्कि मैं ये बोलूं कि अनिल कुंबले ने, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट पर उनकी काफी ज्यादा नजर रहती है, तो वहां से उन्होंने स्ट्रेट अवे पिक कर लिया वसीम जाफर को। तो ये जो कोचिंग स्टाफ है KXIP का, ये इस बार काफी ज्यादा बैलेंस्ड है। और हर बार मैं आपको पहले भी चैनल के ऊपर बोलता हुआ आया हूं कि KXIP का मैनेजमेंट और इनका कोचिंग स्टाफ कहीं ना कहीं काफी हद तक जिम्मेदार रहता है इनके खराब परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इनकी बनती नहीं है प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स कुछ और बोलते हैं ये कुछ और बोलते हैं, तो बिल्कुल 180 डिग्री पर ऑपोजिट खड़े रहते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि यहां पर टीम कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया नजर आ रहा है, अब कोचिंग स्टाफ भी बढ़िया नजर आ रहा है, अनिल कुंबले भी हैं, तो टीम सिलेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो KXIP इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काफी ज्यादा अच्छा करने वाली आईपीएल 2020 में। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।